हर टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों का हुजूम, सुहाना मौसम भी दे रहा है सैलानियों को सौगात। देश में कोरोना का कहर थमा तो करीब 2 साल से ठप रही टूरिज्म इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली। घूमने फिरने के शौकीन लोग नए नए डेस्टिनेशन तलाशने लगे। नतीजा यह हुआ कि देश ही नहीं इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर भी भारतीय सैलानियों का सैलाब दिखने लगा। गर्मियों के मौसम में जम्मू कश्मीर देश में सैलानियों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन गया। पर्यटकों की पसंद के चलते दिल्ली श्रीनगर एयर रूट अप्रैल में देश का तीसरा सबसे व्यस्त रूट बन गया, जबकि ये रूट आमतौर पर टॉप 10 हाईवे रूट्स में शामिल नहीं हो पाता। अप्रैल में दिल्ली श्रीनगर एयर रूट पर 2.74 लाख लोगों ने सफर किया, जबकि पहले नंबर पर रहे दिल्ली मुंबई हाईवे रूट पर यात्रियों की संख्या 4.43 लाख रही। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली बेंगलुरु एयर रूट पर अप्रैल में 3.48 लाख लोगों ने सफर किया। दो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिल्ली गोवा और मुंबई गोवा भी अप्रैल में टॉप 10 एयर रूट्स में शामिल हुए। दिल्ली श्रीनगर और दिल्ली गोवा रूट्स ने बेंगलुरु हैदराबाद और दिल्ली अहमदाबाद रूट को टॉप 10 से बाहर कर दिया। गर्मी है, छुट्टियां हैं, सभी बच्चों को, सभी लोग जहां पे आए घूमने देखें माहौल कैसा है, लॉकडाउन के बाद बाहर निकलें और पता चलेगा क्या अपडेट आ रही है, न्यू सब कुछ बढ़िया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, 20-22 डिग्री टेम्परेचर है और कितनी अमेनिटीज़ है, कितना साफ सुथरा सिटी है। 2 साल तो हम घर पे बैठे बोर हो गए थे, अब यहाँ पे आकर बड़ा अच्छा है, बहुत रास है यहाँ पे। इस बार लोग सारे लोग आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, घूमने आ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे खुली आज़ादी में घूम रहे हैं। अच्छी वातावरण यहाँ पे, सब बिल्कुल बढ़िया, सेफ, अच्छी जगह है यहाँ पर। श्रीनगर दिल्ली के बीच हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने का बड़ा फायदा कश्मीर के टूरिज्म को मिल रहा है। देश के सभी प्रमुख शहरों में श्रीनगर की फ्लाइट सर्च करने की संख्या बढ़ रही है। श्रीनगर में होटल्स और होम स्टे की बुकिंग में काफी इजाफा देखने को मिला है। श्रीनगर में होम स्टे बुकिंग कोविड से पहले 4 गुना बढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने डेटा के मुताबिक कश्मीर घाटी में 2022 के पहले 4 महीने में रिकॉर्ड 6.05 लाख टूरिस्ट आए। ये बीते साल के पहले 4 महीने के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। जून के पहले हफ्ते तक तो पर्यटकों की संख्या 10 लाख के ऊपर निकल गई थी। हालांकि एयर ट्रेवल में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले मामलों में गोवा लगातार टॉप डेस्टिनेशन में बना हुआ है। विदेशों में भी थाईलैंड में आने वाले सैलानियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।